धर्म वर्ड को मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा कि धर्म क्या सिर्फ रिलीजन है, क्योंकि एक परसेप्शन है धर्म रिलीजन, मेरा ये धर्म। हाँ, वो जनरल बोलचाल की भाषा में ऐसा ही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, धर्म धर्म को समझना, धर्म को ही सब समझ रहे हैं, जितने ऋषि मुनि हैं उन्होंने धर्म पर ही बात की है। धर्म को पहले तो मैं इसको पहले व्याकरण के दृष्टिकोण से समझाऊंगा, फिर इसको कैसे इसका विकास इसमें हुआ है, क्योंकि आज धर्म का जो स्वरूप है कुछ और हो सकता है। अलग अलग पंथों में, अलग अलग दर्शनों में धर्म के विषय में अलग अलग दिया गया है, लेकिन जो धर्म का मूलतः अर्थ निकलता है वो धृ धातु है संस्कृत में। धृ धातु से धर्म बना है। अब धृ धातु क्या है? धृ धातु का अर्थ होता है जो धारण करे। जैसे आप सुने होंगे कि पृथ्वी को धरित्री कहा जाता है, जिससे हिंदी में धरती आया है। धरित्री का मतलब क्या है? जो धारण करे। हम यहाँ पर सब लोग तभी बैठ पाए हैं जब इस धरती माँ ने हमें धारण किया है। अगर ये धरती ना होती तो हमारे पास कोई धारण करने का मतलब ये हो गया सपोर्ट सिस्टम, किसी ने सपोर्ट किया है। आप कोई भी रचना करें, चाहे आप पेंटिंग बनाएं, चाहे आप बच्चा कुछ लिखता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो सपोर्ट करता हो। जैसे स्लेट है और आप चौक से लिखते हैं, तो जो आप लिखते हैं तो स्लेट क्या है? वो धर्म है। जैसे कि आप चाहे मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, गिरजाघर बना लो, आप गुरुद्वारा बना लो, लेकिन धरती नियोगित कैसे बनाएंगे? तो धर्म धरती है। तो धर्म वो सपोर्टर है जो पूरी इस एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। अब धर्म सपोर्ट करता है इसको अलग अलग धर्मों में, मतलब पंथों में, या फिर अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग चीजें कही गई। जैसे आप चाइना में जाएंगे तो वहां पर टाओ कहा गया। वहां पर ये बोला गया कि जो धर्म है, मतलब कि जो सपोर्टर है पूरे पूरा जो खेल चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो इसको कोई सपोर्ट कर रहा है, उसको टाओ बोला। हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में धर्म बोला गया, बौद्ध धर्म में धम्म बोला गया, जैन धर्म में भी धर्म बोला गया। तो धर्म ये है। इसको और एग्जांपल से समझें, जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा है, वो अलग अलग तरह के शॉट खेलते हैं, स्ट्रेट ड्राइव भी खेल रहे हैं, कवर ड्राइव भी खेल रहे हैं, पुल शॉट भी मार रहे हैं। तो क्या है, हमें बहुत ढेर सारे वेरिएशन दिख रहे हैं, लेकिन वो कहां पर, उसको कौन धारण कर रहा है? जो बैट्समैन रोहित शर्मा है। तो बैट्समैन जो है, जो बैट्समैन है वो धर्म है। शॉट्स अलग अलग दिखते हैं। तो इसी तरह से इस जीवन में धर्म क्या है? जो सबको सस्टेन किया हुआ है, उससे वो नहीं होगा तो आपका अस्तित्व ही नहीं होगा। अस्तित्व में आप कुछ भी करें, नाना तो दिखेगा। आप पॉडकास्ट करा रहे हैं, कोई इस पॉडकास्ट को एडिट करेगा, कोई बहुत सी चीजें हुई इस प्रकृति में, लेकिन ये प्रकृति पूरी जो सस्टेन किया हुआ है, जो धारण किया हुआ है, उसको हम धर्म कहते हैं। अब धर्म को जब पहली बार बाहर के लोगों ने समझा भारत में, तो वो समझ ही नहीं पाए कि बात किसकी हो रही है, क्योंकि बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स थॉट है, तो वो कभी ट्रांसलेट कर ही नहीं पाए। आज तक धर्म को कभी ना इंग्लिश में, ना फ्रेंच में, ना जर्मन में किसी में ट्रांसलेट नहीं कर पाए। उन्होंने इसको लोन वर्ड की तरह ले लिया कि हाँ, धर्म कुछ होता है, उसको उन्होंने एज इट इज अपनी डिक्शनरीज में ले लिया। अब धर्म, अब जैसे दर्शन में भी धर्म बदल जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में आप जाएंगे तो बौद्ध धर्म कभी भी नहीं मानता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो कॉन्स्टेंट है, जिस पर कोई खेल चलता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि टीवी की जो स्क्रीन है वो धर्म है, उस पर पिक्चर आती है, उस पर चीजें होती हैं, वो धर्म को नहीं बदल सकती। ऐसा नहीं है कि कोई पिक्चर आई और उसने टीवी की स्क्रीन को बदल दिया, टीवी की स्क्रीन वही रही। तो धर्म को आप चेंज नहीं कर सकते, धर्म पर आप काम करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में आप जाएंगे तो बौद्ध धर्म क्या कहता है कि जो खेल चल रहा है यही धर्म है, कोई ऐसा स्क्रीन नहीं है। तो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग, इसीलिए जो धर्म आप बौद्ध धर्म में देखेंगे धम्म, तो वहां पर वो धम्म कॉन्स्टेंट जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं। लेकिन सनातन धर्म में धर्म उसको बोलते हैं जिसके ऊपर कॉन्स्टेंट चेंज हो रहा है। सनातन धर्म में जब भी चेतना की बात होती है, कॉन्शियसनेस की बात होती है, या ब्रह्म की बात होती है, वो कभी नहीं बदलते। जो हमारी चेतना है, यानी कि यदि हमें मान लीजिए चोट लगती है, हमें दुख होता है, तो ये माना जाता है कि शरीर को चोट लगी है और चित्त में दुख उत्पन्न हुआ है, देह चेतना रही है। ये सब चीजें चेतना को चेंज नहीं कर सकती, चेतना सिर्फ इसको एक्सपीरियंस कर रही है। यानी कि आप कितना भी खेल कर लो, वो खेल जो है कहीं हो रहा है। जैसे आप यूनिवर्स को कह सकते हैं कि स्पेस में घटित हो रहा है, लेकिन उसमें और साइंस में जाएंगे तो कुछ और पता चलेगा। लेकिन स्पेस क्या है? वो जगह है जो इसको धारण की हुई। तो ये धर्म है। अब धर्म का विकास ऐसे हुआ है कि जब एक बार धर्म को समझा गया तो लोगों ने प्रश्न किया, इस धर्म को हम कैसे पा सकते हैं? तो धर्म की फिर परिभाषाएं आती गई।
अब जैसे अगर आप देखेंगे तो जो आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब लिख रहे, धर्म नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता मुस्लिम होते तो मैं मुस्लिम पैदा हो जाता, मान लेता अपने आप को। अगर मेरे माता पिता ईसाई होते तो मैं अपने आप को ईसाई मान लेता। मेरे माता पिता हिंदू हैं तो मैं अपने आप को हिंदू मान रहा हूँ। लेकिन ये धर्म नहीं है, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो सकता है। धर्म क्या है? मेरा मनुष्य होना, क्योंकि मैं मनुष्य तो हूं ही, इसको डिनाई नहीं कर सकता। मैं ये डिनाई कर सकता हूँ मैं हिंदू नहीं हूँ। कल को मैं बोलूँ कि मैं अपने माता पिता की नहीं सुनता, मैं हिंदू नहीं हूँ, या मैं अपने माता पिता की नहीं सुनता, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं डिनाई कर सकता हूँ कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। तो मनुष्य धर्म है। तो लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि वो क्या कॉन्स्टेंट चीज है हर क्षेत्र में जो आप हो या जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो धर्म फिर क्षेत्र के साथ, आपकी स्थिति परिस्थिति के साथ धर्म का चीजें जोड़ी गई। जैसे फिर आप यदि आप जैसे बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि आपका धर्म है ये करना, तो इससे बोल दिया जाता है, जैसे विराट कोहली है तो उनको बोला गया भाई आपको क्रिकेट जो है वो आपका धर्म है ना। तो धर्म क्या आ गया कि आप विराट कोहली कुछ भी करें, वो एक ऐड करें, वो मॉडलिंग करें, वो जाके कोई पिक्चर में काम कर ले, लेकिन अल्टीमेटली विराट कोहली क्या है? क्रिकेटर है ना, उसको डिनाई नहीं कर सकते। कल को वो एडवर्टीजमेंट ना करें चलेगा, कल को वो मॉडलिंग करें ना चले, मतलब ना करें चलेगा, लेकिन वो क्रिकेटर है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। अब क्रिकेटर को भी डिनाई कर सकते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में तो क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट उनके लिए धर्म है। लेकिन क्रिकेट को भी अगर वो डिनाई करते हैं तो वो मनुष्य है, इसको नहीं डिनाई कर सकते। तो ये परिस्थितियों पे डिपेंड करता है कि कितने ब्रॉडर में आप सोच रहे हो। तो आप क्या होता है, एक व्यक्ति के कई धर्म हो जाते हैं। जब मैं यहाँ पर पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ तो मैं एक अपने धर्म से बात कर रहा हूँ कि मुझे, मैं सनातन धर्म के धर्म दर्शनों की बात कर रहा हूँ और मेरे मुख से सत्य निकलना चाहिए, लोगों तक सत्य पहुंचे, और मैं सत्य निष्ठा से जो पढ़ा हूँ उसको मैंने जो तर्कपूर्ण उससे समझा है मैं लोगों को यहाँ पर समाज को बताऊँ, ये मेरा एक धर्म है। मैं बाहर जाऊंगा अपनी पत्नी के साथ तो पति धर्म में आ जाऊंगा कि अब मेरी पत्नी के लिए मेरा क्या रोल है, क्या मेरे नियम है जो मुझे इस कॉस्मिक ऑर्डर से दूर ना ले जाए। फिर हो सकता है कि मैं अपने घर जाऊं, मैं अपनी टीम से मिलूं जो मेरे लिए काम करती है, वहां मैं उनका बॉस हो जाऊंगा, तो वहां मेरा धर्म बदल जाएगा। तो ये परिस्थिति के अनुसार सिचुएशनल धर्म होते हैं, लेकिन आप जैसे ही ब्रॉड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप मनुष्य हैं। फिर मनुष्य से भी आप ब्रॉड में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आप चेतना है। चेतना से भी ब्रॉड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अंत में वो ब्रह्म ही है, वो धर्म है। तो धर्म आपकी दृष्टि पर डिपेंड करता है कि धर्म है क्या। धर्म क्या है? जो आपको, जो आपको बनाता है। आप धर्म को नहीं बनाते। आप आज लोग धर्म को बना रहे हैं और धर्म के लिए लड़ रहे हैं। धर्म के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, धर्म आपको बना रहा है। जिसने आपको जन्म दिया है आप उसको जन्म देंगे या आप उसके लिए लड़ेंगे। तो धर्म ये है, मतलब अगर इसमें मैंने बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो धर्म आपको ये समझना है कि परिस्थितियों के अनुसार जिस परिवेश में आप हैं उसका एक धर्म होता है। जैसे अर्जुन का धर्म महाभारत युद्ध में क्षत्रिय का धर्म था, लेकिन उसके बाद यदि वो मोक्ष की बात करते हैं या मतलब और किसी सिचुएशन में जाते हैं तो उनका धर्म बदल जाता है। हाँ, तो यही चीज है। धर्म को कई परिभाषा दी गई है। धर्म सत्य भी है, धर्म कॉस्मिक ऑर्डर भी है, धर्म कर्तव्य भी है, धर्म आपका नियम भी है। धर्म हर वो चीज है जो आप, जो इस प्रकृति के अनुसार आपको सेट बैठा है। धर्म की आवश्यकता क्यों, मैं आपको ये भी समझा दूं, क्योंकि जो आपने कर्तव्य बोला ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यदि आप प्रकृति में किसी भी जीव को देखें तो वो उस जीव को कोई भी विरोधाभास नहीं उसके जीवन में। एक बिल्ली को पता है कि मुझे क्या करना है, चूहे को मारना है या ऐसे रहना है, उसका जीवन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। आप उसका डे टू डे मतलब डेली लाइफ उसकी ट्रैक करेंगे एक श्वान की या बिल्ली की या हाथी की, तो वो वैसे ही जीता है ना, वो सेल्फ एनालाइज चीजों को करता है। हाँ ठीक है, कुछ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होंगे उसके कि मैंने यहाँ पे पैर रखा था तो मुझे चोट लगी थी, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन वो चेतना के स्तर पर ऐसे नहीं सोचता कि भगवान है, या फिर वो प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाता। हम आप प्रकृति के विरुद्ध जा सकते हैं, हम आप पेड़ काट सकते हैं, हम आप चाहें तो पूरा का पूरा शहर जंगल जला सकते हैं। जानवर नहीं कर सकता, जानवर के मन में कभी ख्याल ही नहीं आएगा कि मैं ये कर दूं, पूरा जंगल जला दो या इस जंगल का मैं बिल्डिंग बना के या यहाँ पे। तो जानवर क्या है, प्रकृति और धर्म से बंधे हैं। हम धर्म से बंधे इतना नहीं है तो इसलिए हम कभी कभी अधर्म भी करते हैं। इसलिए धर्म में फिर कर्तव्य का भाव आ गया कि फिर हमें ऋषि मुनियों ने बताया कि धर्म की तरफ अगर आना है, जो तुम्हारा धर्म है, क्योंकि तुम
अविद्या से ग्रसित हो गए हो, जैसा कि बहुत से मायावाद में बताते हैं, या फिर मनुष्य जो है वो अधर्मी भी हो सकता है, निचली योनि का भी काम कर सकता है, तब ऋषि मुनि बताते हैं कि ये काम है। बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध बता के गए हैं उसको धर्म बोला गया, जैन धर्म में जो तीर्थंकर बता के गए हैं उसको धर्म बोला गया, सनातन धर्म में जो हमें ऋषि मुनियों ने बताया, जो हमारे श्री राम जी के आदर्श हैं, जो श्री कृष्ण जी के आदर्श हैं, उनको धर्म बोला गया कि धर्म तो समझ लिया आपने, लेकिन उस धर्म की तरफ जाएंगे कैसे, तब वो कर्तव्य का भाव, तब वो प्रकृति के साथ का एक तादात में हो जाए, आप प्रकृति जैसा आपको जीवन, मतलब ऐसा जीवन जिए कि प्रकृति से आप विमुख ना हो जाए, तो वो कर्तव्य की फिर वहां पर बात आती है। तो इसलिए फिर धर्म क्या है कि धर्म के एक बहुमुखी शब्द है, धर्म को आप इस पर चर्चा करेंगे पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। तो पहले धर्म को समझना, धर्म क्या है, और फिर उस धर्म की तरफ बढ़ने के लिए जो अलग अलग चीजें बताई गई हैं उससे निकल कर आता है, जैसे सत्य बोलना, ये भी धर्म का कार्य है। फिर धर्म में कर्तव्य आ जाता है कि आपका कर्तव्य क्या है, धर्म में नियम आ जाते हैं, धर्म में आप देखें तो जो कॉस्मिक ऑर्डर है, जो यूनिवर्स जैसे चीजों को चला रहा है वो धर्म है, आप उसको ना छेड़े, तो ये सब चीजें धर्म की परिभाषा में और भी आगे आकर जुड़ी गई है।